नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत करेंगे वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। दरअसल नॉटिंगम वनडे पर बारिश का साया लगातार मंडरा रहा है। अभी भी आपको ये बता दें कि नॉटिंगम में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारत न्यूजीलैंड के मैच को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि समय पर शुरू नहीं हो सकेगा भारत न्यूजीलैंड का ये मुकाबला। विक्रांत हमारे संवाददाता सीधे नॉटिंगम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, अब से कुछ ही देर पहले हम देख पा रहे थे कि आपके पीछे जितने भी बादल दिख रहे थे वो काले थे और वहां पर नॉटिंगम में लगभग अंधेरा छाया हुआ था। अब स्थिति कुछ बेहतर है या फिर वैसे ही हालात है? थोड़े से खराब हो गए हैं और नेहा, क्योंकि बरसात दोबारा से शुरू हो गई। हालांकि इस वक्त अचानक से पिछले 60 सेकंड या 2 मिनट में बरसात एकदम रुक गई है, लेकिन बरसात हुई है। देखिए आप पीछे, बरसात दोबारा हो रही है। अब इसका मतलब यह है कि देखिए दो बातें हैं। एक तो यह है कि बरसात हो रही है, फिर उसके बाद रुक जाना है। मैच शुरू होना मुझे मुश्किल लगता है। वक्त पर तो नहीं शुरू होगा, यहाँ पर अभी 8:30 बजे, 2 घंटे बाद मैच शुरू होना है, यानी कि 10:30, और उसके लिए 10 बजे टॉस होना ज़रूरी है। और अंपायर्स ने अभी तक मुझे लगता नहीं है कि कवर्स हटाने का आदेश देना है, क्योंकि जब बारिश गिर रही है कवर्स नहीं हटेंगे। कवर्स नहीं हटेंगे तो ग्राउंड का आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। तो कम से कम एक बात तो रूल्ड आउट है कि मैच वक्त पर नहीं शुरू होगा। अगर बरसात नहीं होती है तो आगे चलकर मैच हो सकता है, छोटा मैच हो सकता है। दो बातें साफ हैं नेहा, एक तो ये 50 ओवर का मैच नहीं होगा, और दूसरा अगर होता भी है तो छोटा होगा। लेकिन छोटा मैच भी तब होगा अगर बरसात रुके। फोरकास्ट ठीक नहीं है, फोरकास्ट ठीक नहीं है, और यहाँ पर आमतौर पर आप जानते हैं कि फोरकास्ट बड़ी एक्यूरेट रहती है। अगर उन्होंने कहा ना कि 9:17 पर बरसात होगी, तो एक्चुअली 9:17 पर बरसात होगी, और बरसात के पूरे दिन की फोरकास्ट है। हालांकि जो परसेंटेज है जो कल दिखा रहा था वो आज उससे कम हुआ है, लेकिन बरसात रुकना, उसके बाद 3-4 घंटे बरसात ना होना में ही आप एक छोटा मैच भी खेल सकते हैं। चांसेस तो मुझे लगते नहीं है नेहा कि आज आपको क्रिकेट देखने को मिलेगी, और दोनों टीमें ये चाहेंगी कि अगर पॉइंट स्प्लिट हो जाए तो बेटर है, रादर देन एक 20 ओवर का मैच जो कि लॉटरी बन जाए। दोनों में से कोई टीम नहीं चाहेगी कि भैया एक लॉटरी हो, इतना बड़ा मुकाबला है, 20-20 ओवर का मैच इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। तो सेफ अगर आप देखें, दोनों टीमें ये कहेंगी चलो ठीक है यार, अगर मैच नहीं होता कम से कम पॉइंट तो स्प्लिट हो जाए। पॉइंट स्प्लिट होना ये एक विकल्प है, मैच देर से शुरू होना, कम ओवर्स का होना ये भी एक संभावना है। लेकिन अगर देर से शुरू होता है मैच विक्रांत और कम ओवर्स का मैच होता है, ऐसे में पिच कंडीशंस अलग हो जाती हैं क्योंकि वहां पर बरसात हुई है, ग्राउंड अलग हो जाता है। अगर जो टीम टॉस जीतती है किस तरह से मैच को देखेगी, पहले बल्लेबाजी पहले गेंदबाजी, क्या कुछ आप वहां पर समझ पा रहे हैं? आमतौर पर देखिए इन कंडीशंस में, आमतौर पर क्योंकि 3-4 दिन से बरसात अगर हुई है तो एटमॉस्फेयर हैवी है, यानी कि तेज़ गेंदबाजों के लिए सुबह मदद होगी ही होगी जब भी अगर मैच शुरू होता है। दूसरी बात है विकेट कवर्ड है, और विकेट ज़्यादा देर जब कवर्ड रहती है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है जो कि और गेंदबाजों को मदद करता है। और फिर उसके बाद जब इस तरह का हो कि आपको पता है यार बरसात कभी भी आ जाएगी, फिर वो डकवर्थ लुईस आ जाएगा, तो आमतौर पर आप टॉस जीतकर गेंदबाजी ही करना चाहते हैं। तो हर हालात में टीमें पहले गेंदबाजी करना चाहेंगी, डकवर्थ लुईस में मोर सो, क्योंकि फिर से पता चला जी पहले 35 ओवर का मैच है, नहीं जी दोबारा बरसात आ गई, अब जी 28 ओवर का होगा, अब जी 20 ओवर का होगा। तो जो टीम चेज करती है उसको ये एडवांटेज रहता है कि उसको बैटिंग जब बाद में वो करेगा उसको पता होता है हमने क्या करना है। पहले वाली टीम फर्ज कीजिए 35 ओवर के लिहाज से खेलती है, बाद में बरसात आ गई, लो जी 20 ओवर का है। तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो आमतौर पर इन कंडीशंस में पहले गेंदबाजी ही करना चाहेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।